कितना अभी तक आवास आपने अलॉट करा दिया? लगभग 170 बार। काम होता है तो बहुत खुशी होती है, भी ना करता है। गली नली मनास बहुत विकास हो रहा है। जनता के बीच ऐलान नहीं किया जाता, कर्मठता दिखाई जाती है। समृद्धि न्यूज चैनल में हूं अशोक तिवारी और इस वक्त अभी हम चोगटा पंचायत में हैं और चोगटा पंचायत के मुखिया उषा देवी ने आज झंडोत्तोलन किया और जिस तरह आप देख रहे हैं चोगटा पंचायत की तमाम जनता, वार्ड पार्षद सदस्य या BDC तमाम लोग आए हुए हैं। आज जिस तरह यहाँ पे यहाँ के लोगों ने जिस तरह का सपोर्ट कर किया और जिस तरह झंडोत्तोलन यहाँ पर हुआ, सब लोग अपना अपना बातों को भी रखे और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मंडल जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर इन लोगों की क्या राय है और अपने पंचायत को क्या ये लोग देने वाले हैं, क्या आज इन लोगों ने शपथ लिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और इनकी कर्मठता और ईमानदारी की चर्चा हुआ करती है समाज में और इनकी पत्नी पूर्व में मुखिया भी थी, संजय मंडल जी इस वक्त हैं और जहाँ पे पूरा देश 74वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, आप लोगों ने भी बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पंचायत भवन में झंडोत्तोलन किया, यहाँ की मुखिया उषा देवी ने झंडा फहराया, क्या कहना चाहेंगे आज तमाम देश को, तमाम पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरी इस पंचायत के साथ साथ पूरे देशवासियों को इस शुभकामना देता हूँ ये गणतंत्र दिवस। इसके अलावे हर साल की भांति इस वर्ष भी जो देश का संविधान है उस संविधान के तहत एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि एक पंचायत में अपना झंडोत्तोलन करती है, आज उसी उपलक्ष्य में इस पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती उषा देवी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, इस झंडे को सलामी दी गई। चलिए बहुत सुंदर। मुखिया जी जानना चाहेंगे आज के दिन खास कुछ आप लोगों ने ऐलान भी किया है क्या? चूंकि यदि पंचायत में विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बात करने पर यह स्पष्ट क्लियर हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि नहीं एक साल में जबरदस्त तरीके से काम हुआ है, आगामी आप लोगों ने क्या योजना बनाई है? पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुआ है 16 से 21, फिर 21 से जो मेरा उषा देवी का कार्यकाल है माननीय मुखिया, ऐलान जनता के बीच ऐलान नहीं किया जाता, कर्मठता दिखाई जाती है काम करने की। उषा देवी माननीय मुखिया उषा देवी हम उनके प्रतिनिधि मनोज कुमार द्वारा ये भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि जनता के छूटे हुए एक एक कार्यों को हम अपने कार्यकाल में पूरा कर लें, ये दृढ़ संकल्पित है और अपनी कर्मठता के साथ अपना काम कर रहे हैं। अब इसको आप ऐलान समझ लीजिए या उनकी कर्मठता समझ लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं संजय मंडल जी हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं और शुरू से ही अपनी कर्मठता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो 5 वर्षों के कार्यकाल में विकास की तो गंगा बही ही थी लेकिन लगातार बहते रहे, इसके लिए यहाँ की मुखिया उषा देवी ने जब से कमान संभाली है, जब से मुखिया पद उनको यहाँ के लोगों ने दिया है, लगातार काम हो रहे हैं और जनता जितना अपेक्षा की थी उससे हटके काम हो रहा है, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। तो मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार जी हैं, इनसे हम जानेंगे। पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप लोगों ने भी यहाँ पे झंडोत्तोलन किया, आपकी पत्नी उषा देवी जो यहाँ की मुखिया है झंडा फहराया, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? 74वां गणतंत्र दिवस पर पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई, देशवासियों को। पंचायत में यदि आपकी ग्राम पंचायत जोगटा की हम बात करें तो आपके बहुत सारे लोगों से हमने बात किया तो लोगों का कहना है कि नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है और संजय मंडल जी के भी कार्यकाल में 5 साल बहुत बढ़िया काम हुआ और 1 साल में आप लोगों ने बेमिसाल काम किया, तो इतना एनर्जी लाते कहाँ से है? सोचता लोग नहीं है उससे बेहतर आप लोग करके दिखा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, अब चाहिएगा विकास करने चलिएगा तो अपने आप विकास हो जाएगा, मेहनत कीजिएगा तभी होगा, ऐसा बात नहीं है। लोगों का कहना है कि हम लोग सोचते हैं 10% तो हो जाता है 50%, मुखिया जी क्या सोचते हैं हम लोगों से सोच के परे होता है। पहले इंदिरा आवास की चर्चा लोगों ने बताया कि इंदिरा आवास कैसे क्या होता था समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तमाम चीज़ों पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इससे क्या होता है कि इंदिरा आवास में भी कहीं से कठिनाइयाँ नहीं हो रही है।
नहीं, इंदिरा आवास देखिए मेरा पंचायत में पहले जो संजय कुमार मंडल जी थे प्रतिनिधि, मुख्य प्रतिनिधि, इनके पहले की बात लोग बता रहा है, उसके पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब से आप लोगों का कार्यकाल रहा इंदिरा आवास में कहीं से दिक्कत नहीं हो रही। कितना अभी तक आवास आपने अलॉट करा दिया? लगभग 170-172। टारगेट क्या रखें? देखिए टारगेट 345 है अभी जोड़ा हुआ है, और फिर आगे जब सरकार का आदेश आएगा। 345 ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं जी, नहीं 345 सूची में जोड़ा हुआ है, इन्होंने जोड़ा था। हाँ, वो पूरा होगा उसके बाद नया सूची बनेगा। अच्छा, आपने कभी अपने पंचायत में घूम घूम कर ये देखा है कि नहीं कि इन इन लोगों को घर की जरूरत है? यदि ऐसे लोग आपने चुना होगा या आपने काउंटिंग की होगी, तो आपको क्या लगता है लगभग कितने ऐसे घर हैं जिनका आवास नहीं? देखिए जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे तो आवास की बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई ये बहुत अभी कसम लगभग अभी भी 1000 पारे होगा, तब जाकर अभी के डेट में पूरा होगा जी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का मेरा पंचायत है, उसमें दलित बस्ती भी है, महादलित भी है, इसलिए कम से कम 1000 से कम नहीं चाहिए, 1000 से ऊपर चाहिए। अच्छा, जानना चाहेंगे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा निकला हुआ था, तो इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ? देखिए तो अपना हमारा पंचायत में नहीं था, ब्लॉक कुलौर ब्लॉक में था और संदेश में था, कुछ ना कुछ जरूरी मुख्यमंत्री आए हैं तो फायदा हुआ है, ऐसा थोड़े बात है कि नहीं है। समाधान होगा, जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं उससे समाधान होगा कि नहीं? ना जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है, विश्वास है। हाँ विश्वास जी। मंडल जी कुछ कह रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी, जाम से निजात पाने के लिए संदेश से कोइलवर तक नहर, जो नहर है संदेश से कोइलवर राजवाहा है, उस पर एक रास्ता बनने जा रहा है RWD से, उसका DPR तैयार हो रहा है, ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा समाधान है इस समाधान यात्रा में। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए नजरिया अपनी अपनी होती है, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं समाधान यात्रा को, समस्या के दृष्टिकोण से देखते हैं कि समाधान यात्रा को उलझन के दृष्टिकोण से देखते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि इन लोगों का विचार है कि नहीं, यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, DPCM तेजस्वी यादव जी आए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान तो जरूर होगा और हो भी रहा है। अब देखना है कि कितना परसेंट समाधान होता है। तब तक लगातार यहाँ के खबरों को हम दिखा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि जोगटा पंचायत में लगभग 1 साल कंप्लीट हुए उषा देवी के कार्यकाल में, अब तक कितना विकास हुआ है और लोग कितने संतुष्ट हैं? कुछ बच्चे क्या हुआ सर? चंदेश्वर से हैं, चंदेश्वर से। अच्छा, क्या लगता है जोगटा पंचायत में काम हो रहा है? जी हाँ। क्या क्या काम हुआ है? गली नली मनास बहुत विकास हो रहा है। अच्छा, आप भी मुखिया थे ना यहाँ पे? भूतपूर्व, बहुत पहले। अच्छा, क्या क्या लगता है, चूँकि अनुभव आपका, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है उषा देवी को आपकी पंचायत ने कार्यभार सौंपा है तो उनके रीजन में विकास होगा? जी, कहना है कि अपेक्षा से अधिक काम हुए हैं, और इतना विश्वास नहीं था कि उषा देवी जब नेतृत्व संभालेंगी तो इतना बढ़िया काम हो सकता है, जैसे कि आम लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, बात किया। मनोज जी के बड़े भाई हैं अशोक कुमार जी, इनसे हम जानेंगे कैसे हैं सर, क्या क्या कहेंगे, चूँकि एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जुम्मारी आप लोगों के कंधों पे हैं, और कहीं ना कहीं मनोज जी को आप संबल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं कि कहीं से कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग बाहर से भी, मंत्रिमंडल से भी फंड लेके जोगटा पंचायत को विकास के लिए अग्रसर रहते हैं, क्या कहेंगे, खुशी हो रही है? काम होता है तो बहुत खुशी होती है, भी ना करता है जनता, जनता का क्या रुझान, जनता क्या, ये तो यहाँ की जनता ने आपको बतलेबे कि जनता, हाँ जनता तो बिल्कुल आप लोग को काफ़ी प्रशंसा कर रही है, और जनता जब प्रशंसा करती है तो निश्चित तौर से जनप्रतिनिधियों का सीना चौड़ा हो जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस पर तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।